हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रैप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। दिल्ली यूनिवर्सिटी फर्स्ट अलोकेशन के बाद बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि सर, सीट एक्सेप्टेंस का मतलब क्या है, और सीट एक्सेप्ट कर ली तो उसके बाद फ़ी हमें कब सबमिट करनी है, क्या हम हमारा जो अलोकेशन हुआ है इसे अपग्रेड कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं तो कुछ दिक्कत तो नहीं होगी, और अगर फ्रीज का ऑप्शन हमें मिलता है तो हमें क्या करना चाहिए। इस सभी बातों का जवाब मैं इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। तो यदि आप लोगों ने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और शेयर कर लीजिए। सबसे पहले मैं ये बात कर लूं कि जिन लोगों का अलॉटमेंट हुआ है, जिन लोगों को अलोकेशन हुआ है, सबसे पहला काम उन्हें क्या करना है कि अगर वो अपनी सीट को एक्सेप्ट करते हैं, मतलब कि उनका जो पोर्टल है, पोर्टल में अलोकेशन वाली जो डैशबोर्ड है या जो टैब है, वहाँ पर उनके सामने एक बटन जनरेट हुआ है, बटन पर लिखा हुआ है एक्सेप्ट अलोकेशन, है ना। तो वो जो एक्सेप्ट अलोकेशन वाला बटन है उसको आपको क्लिक करना है। अगर आपने उसको क्लिक नहीं किया तो आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी। इसका मतलब ये माना जाएगा कि आप जो अलोकेशन हुआ है वो आपको मंजूर नहीं है। तो अगर आपको प्रोसेस में आगे बढ़ना है तो सबसे पहले तो बिना कुछ सोचे समझे उस बटन को क्लिक कर दो, यानी कि जो एक्सेप्टेंस, जो आपका कंसेंट है एक्सेप्टेंस के लिए, वो उन्हें दे दीजिए। आप जैसे ही अलोकेट सीट को एक्सेप्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद फर्दर प्रोसेस स्टार्ट होगी। अब इस फर्दर प्रोसेस का मतलब क्या है? फर्दर प्रोसेस का मतलब ये है, जैसे ही आपने एक्सेप्टेंस का अपनी मंजूरी दे दी तो उसके बाद जो DU की एडमिशन कमेटी है, या डिपार्टमेंट लेवल पर या सेंट्रल लेवल पर या कॉलेज लेवल पर आपके जो डॉक्यूमेंट्स सबमिट हुए हैं ऑनलाइन, उनका जो वेरिफिकेशन किया जाएगा, उसके बाद आपकी जो CUET PG 2023 की डिटेल्स है उनको चेक किया जाएगा, आपने जिस प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया है उसकी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से, और आपने आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं क्या वो उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसको चेक किया जाएगा। अगर उस प्रोग्राम में कोई स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी है तो उसको चेक किया जाएगा, मतलब कि कोई कॉम्बिनेशन तो नहीं बन रहा फिजिक्स केमिस्ट्री का, या इतने सेमेस्टर तक मैथ्स होना चाहिए, तो वो सारे कॉम्बिनेशन चेक किए जाएंगे। अगर जो चेक करने वाले डिपार्टमेंट है, कॉलेज है, सेंटर है, उनको अगर कोई भी डाउट आता है, यानी कि उनको आपसे फर्दर क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो वो आपसे क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। उसके लिए आपको लगातार अपना जो पोर्टल है उसको विजिट करना पड़ेगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन रेज किया गया है, आपसे कोई चीज़ें पूछी गई है, कोई डॉक्यूमेंट मांगा गया और आपने उसका रिप्लाई नहीं किया या आपने वो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं किया, तो आपकी जो सीट है वो कैंसिल कर दी जाएगी। तो इसलिए इट इज़ बेटर कि आप लगातार अपना जो पोर्टल है उसे चेक करते रहें। उसके बाद जब ये जो डिपार्टमेंट है, सेंटर है या कॉलेज है, ये अपनी जो वेरिफिकेशन प्रोसेस है इसको कंप्लीट करेगा, तो ये दो प्रोसेस करेगा, या तो अप्रूव या रिजेक्ट। अगर इन्होंने अप्रूवल दे दिया तो अप्रूवल के बाद आपको उस पर्टिकुलर एक्सेप्टेंस के अगेंस्ट फ़ी पे करनी पड़ेगी। फ़ी अभी पे नहीं करनी है, फ़ी आपको बाद में पे करनी है। तो वो अप्रूवल जब आपको मिल जाएगा तब आपको फ़ी पे करनी है, और इन केस उन्होंने रिजेक्ट कर दिया तो आपकी सीट जो है वो कैंसिल हो जाएगी। रिजेक्शन के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, इनमें से एक है कि आप जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो मैच नहीं हो रहा, स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो मैच नहीं हो रहा, डॉक्यूमेंट्स जो आपने प्रोवाइड कराए हैं वो सही नहीं है, और चौथा, डिपार्टमेंट ने आपसे कोई क्वेरी की है, आपसे कोई क्वेश्चन किया है और आपने उस क्वेश्चन का रिप्लाई नहीं दिया है, तो भी आपकी सीट कैंसिल हो सकती है। तो ये तो फर्स्ट प्रोसेस है कि आपको जो अलोकेशन एक्सेप्ट करना है, और उसके बाद जो प्रोसेस होगी उसके बाद अप्रूवल या रिजेक्शन, अप्रूवल के बाद ही आपको फी सबमिट करना है, उसके पहले नहीं करना है। अब बात कर लेते हैं दो ऑप्शन, अपग्रेड और फ्रीज। तो अपग्रेड और जो फ्रीज ऑप्शन है, ये केवल और केवल इन लोगों को दिखाई देगा जिन लोगों का अलोकेशन हुआ है, जिन लोगों को अलोकेट हुई है सीट, ये ऑप्शन केवल उन्हें ही दिखाई देंगे, बाकी सबको नहीं दिखाई देंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपग्रेड ऑप्शन की। अपग्रेड ऑप्शन ये कब से एक्टिवेट होगा? जब आपका जो फर्स्ट एक्सेप्टेंस के बाद, जब आपने एक्सेप्टेंस को एक्सेप्ट किया, जो अलोकेशन है उसको एक्सेप्ट किया, उसके बाद जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या वेरिफिकेशन पूरा हो जाएगा, तो उसके बाद जो भी एडमिटेड स्टूडेंट्स हैं उन सभी को अपग्रेड का ऑप्शन दिखाई देगा।
सेकंड काउंसलिंग में जाने से पहले या सेकंड अलॉटमेंट में जाने से पहले ये अपग्रेड ऑप्शन उन सभी स्टूडेंट्स को दिखाई देगा जिनका अप्रूवल आ चुका होगा। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि आपने जो अभी सीट एक्सेप्ट की हुई है और ये आपकी लोअर प्रेफरेंस पे है, हायर प्रेफरेंस पर नहीं है, तो अगर आप अपग्रेड का ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं तो इन केस आपको सेकंड अलोकेशन में आपकी हायर प्रेफरेंस मिल जाती है तो आपको उस पर जाना पड़ेगा। आप ये मत सोचना कि आपने अपग्रेड का बटन क्लिक कर दिया फिर आपका मन नहीं कर रहा और आप वापस से उसी सीट को रिटेन करना चाहते हैं तो वो पॉसिबिलिटी नहीं होगी। तो अपग्रेड का ऑप्शन सभी को दिखाई देगा, ये काम उनके लिए करेगा। जिनका लोअर प्रेफरेंस मिला है और उनको अपनी हायर प्रेफरेंस में जाना है या जाने के इच्छुक हैं तो वो ये बटन को क्लिक कर सकते हैं। हायर प्रेफरेंस जिनको ऑलरेडी मिल गया है तो उनके लिए अपग्रेड बटन का कोई रोल नहीं होगा क्योंकि हायर से वो लोअर प्रेफरेंस में नहीं जा सकते। एक बार आपने अपग्रेड जो बटन है उसको एक बार क्लिक कर दिया तो उसके बाद सेकंड अलॉटमेंट में अगर आपको आपकी जो चॉइस है, हायर चॉइस जो है, वो आपको अलॉट हो जाती है तो उसके अगेंस्ट आपको एडमिशन लेना ही लेना पड़ेगा। आप उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं और आप अगर उसको रिजेक्ट करते हैं या आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो फिर आपका एडमिशन जो है वो कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से हम बात कर लेते हैं फ्रीज ऑप्शन की। फ्रीज ऑप्शन केवल उन्हें ही, फ्रीज ऑप्शन जितने भी एडमिटेड स्टूडेंट्स हैं सभी को दिखाई देगा। ये फ्रीज ऑप्शन का मतलब क्या है? जिन लोगों ने मल्टीपल प्रोग्राम सेलेक्ट किए हुए हैं, जैसे ए बी सी डी, या ऐसा कह लूँ किसी ने केमिस्ट्री भी लगाया हुआ है, फिजिक्स भी लगाया हुआ है और मैथ्स भी लगाया हुआ है, तो उनको लेट सपोज तीनों के अगेंस्ट उनको सीट अलोकेट हुई है। सबसे पहले तो तीनों में से किसी एक को ही एक्सेप्ट करना है उनको। अब जिसको एक्सेप्ट कर दिया उसके बाद उसको उनको फ्रीज करना है या अपग्रेड करना है उन्हें देखना है। अगर उन्होंने फ्रीज कर दिया तो एक्सेप्ट सीट कर ली उन्होंने, उसको उन्होंने फ्रीज कर दिया तो फ्रीज करने के बाद वो किसी भी हालत में ना तो अपग्रेड होगी ना वो किसी भी हालत में चेंज होगी, उसके अगेंस्ट उन्हें पेमेंट करना ही पड़ेगा। तो मेनली ये जो फ्रीज ऑप्शन है ये उन बच्चों के लिए ज़्यादा यूजफुल है जिन्होंने मल्टीपल प्रोग्राम सेलेक्ट किए हुए हैं। जिन्होंने सिंगल प्रोग्राम सेलेक्ट किया हुआ है उनके लिए ज़्यादा यूजफुल ऑप्शन होगा। एक्सेप्ट करो, उसके बाद अपग्रेड करना है तो करो और नहीं तो उसके अगेंस्ट फी पे कर दो। जिन्होंने मल्टीपल प्रोग्राम सेलेक्ट किए हुए हैं वहाँ पर ज़्यादा यूजफुल होगा फ्रीज बटन। तो ये जितने भी ऑप्शन हैं, चाहे वो सीट एक्सेप्टेंस का हो, चाहे वो अपग्रेडेशन का हो और चाहे वो फ्रीज का हो, ये केवल उन्हीं स्टूडेंट्स को दिखाई देंगे जिनका जो फर्स्ट लिस्ट के बाद या फर्स्ट अलॉटमेंट के बाद जिनका सिलेक्शन हुआ है। ये प्रोसेस सेकंड राउंड में भी सेम होगा और ये प्रोसेस थर्ड राउंड के अंदर भी सेम होगा। यानी कि ये एक्टिविटी फर्स्ट अलोकेशन के बाद, सेकेंड अलोकेशन के बाद और थर्ड अलोकेशन के बाद, तीनों के बाद ही होगी। फी सबमिशन आप लोगों को अभी नहीं करना है, अभी आपको सिर्फ अप्रूवल देना है एक्सेप्टेंस का। फी सबमिशन आपका 22 अगस्त के बाद होगा। जिन लोगों का अप्रूवल आ जाएगा उन सभी लोगों को अपना फी सबमिट करना है, ठीक है। तो ये जो भी डाउट आ रहे थे कि फी समय कब सबमिट करनी है और फी सबमिशन का हमारा लिंक नहीं आया है, फी सबमिट कब होगी, तो सभी लोगों का ये डाउट क्लियर हो गया होगा। दूसरी चीज, जो अपने जो पोर्टल है, पोर्टल को लगातार विजिट करते रहना। अगर कोई क्वेरी आती है उधर से तो उसका आपको रिप्लाई करना है। अगर रिप्लाई नहीं करोगे तो सीट क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। जिन्होंने अभी तक एक्सेप्टेंस का जो बटन है उसको क्लिक नहीं किया है, किसी भी कारण से भूल भी सकते हैं, तो वो एक्सेप्टेंस का बटन आपको क्लिक कर देना है, नहीं तो आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी। तो इट इज़ ऑल अबाउट दिल्ली यूनिवर्सिटी फर्स्ट अलोकेशन। और जिन लोगों का नहीं हुआ है उनको ऐसा कोई डिप्रेस होने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि अभी JNU और BHU के जो रिज़ल्ट हैं वो आने वाले हैं, तो डेफिनेटली उसके बाद जो काफ़ी सारी सीट्स हैं वो वैकेंट होंगी तो वापस से सेकंड राउंड ऑफ अलॉटमेंट में आप लोगों के जो नंबर आने के चांसेस हैं, आप लोगों को सेलेक्ट होने के चांसेस हैं, वो पूरे पूरे होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय।